हुई सीटों पर चर्चा होने की संभावना। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में नामों का ऐलान करके हैरान कर दिया था सबको, जिस तरीके से सीएम का चेहरा सामने लाई, माना यह जा रहा है कि आम चुनाव में बीजेपी कुछ ऐसा ही कर सकती है। और यही वजह है कि कल जो ये दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है आम चुनाव को लेकर के, अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कल बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। इसको लेकर के तमाम जो नेता हैं वो मुलाकात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, और खास करके फीडबैक लिया जा रहा है उन सीटों का जो 2014 में और 19 में बीजेपी जिन सीटों पर हारी थी, उन सीटों पर सबसे ज्यादा ध्यान बीजेपी का इस बार है कि राजस्थान की वो कौन सी सीटें होंगी जहां पर कम जनाधार मिला था बीजेपी को। तो कल जारी होने वाली बीजेपी की पहली लिस्ट में राजस्थान की भी कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम साफ हो सकते हैं। पार्टी ने एक बार फिर से सभी सीटें जीतने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी की हैट्रिक पर नजर, चौंकाएंगे प्रत्याशियों के नाम, किसके नाम पर लगेगी मोहर इस बार, तैयारी जोरदार। फिर से मरुधरा को जीतने के लिए बीजेपी तैयार है। दिल्ली में जारी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। मरुधरा में एक टिकट के लिए बीजेपी में कई दावेदार हैं। बीजेपी की इस बैठक में सीएम भजन लाल, सीपी जोशी दोनों डिप्टी सीएम भी मंथन में जुटे हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष प्रत्याशियों के चयन को लेकर पूरे समीकरणों को ध्यान में रखे हुए हैं। हालांकि भगवा खेमे में चर्चा हारे हुए नेताओं के सियासी भविष्य को लेकर भी है, क्योंकि हर सीट पर एक मजबूत उम्मीदवार को ही उतारने की तैयारी पार्टी कर रही है। पार्टी ने हर बार की तरह इस बार भी सभी 25 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मजबूत उम्मीदवार तलाशने की कवायद जोर शोर से जारी है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक होगी। इससे पहले राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी अपने उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जुट रही है। भगवा खेमे में हलचल इस बार विधानसभा चुनाव में हारे हुए नेताओं के सियासी भविष्य को लेकर भी हो रही है। कहा जा रहा है कि सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौर दोनों ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उनकी टिकट भी फाइनल हो गई है। वही मंथन विधानसभा चुनाव में हारे बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार, भागीरथ चौधरी और देवजी पटेल की सीटों पर भी होगा। वही जीते हुए सांसदों में दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर राज्य सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में इनकी सीट पर नए चेहरे पर दाव लगाया जा सकता है। वही अलवर से सांसद और तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ की सीट पर भी नया चेहरा हो सकता है। इसके साथ ही क्या कांग्रेस से बीजेपी में आए महेंद्र जीत सिंह मालवीय पर भी बीजेपी दाव लगाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम का अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा, जो अमित शाह और जेपी नड्डा हर नाम पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे। गुरुवार को होने वाली बैठक में राजस्थान की कुछ सीटों पर नामों को हरी झंडी मिल सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पहली सूची में राजसमंद, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, जालौर, नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, उसे पूरा करने के लिए राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक लगना बेहद जरूरी है। राजस्थान को सुन किए बिना बीजेपी के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना शायद एक बड़ी चुनौती होगी, और पार्टी के सामने लक्ष्य भी यही, इसीलिए राजस्थान पर ज्यादा फोकस भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। स्मगलिंग के खिलाफ बताया जा रहा है कि DRI ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्मगलिंग का पर्दाफाश किया गया है। चूरू रेलवे स्टेशन पर बताया जा रहा है कि 4 किलो से ज्यादा का सोना जो है वो पकड़ा गया है। कोलकाता से चूरू ला रहे थे 2 तस्कर, ये जो सोना है उसे
कोलकाता सियालदह एक्सप्रेस से ये दोनों तस्कर आए थे। जब्त सोने की कीमत 2.70 करोड़ रुपया की गई है। फतेहपुर के रहने वाले दोनों स्मगलर हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर दो सोने की तस्करी करते हुए आरोपियों को दबोचा गया है। DRI ने ये बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया था, उन्हें सूचना मिली थी और उसी के आधार पर बताया जा रहा है इन दोनों तस्करों को दबोचा गया। कोलकाता से चुरू जो है ये दोनों तस्कर सोना लेकर के आ रहे थे, ऐसी जानकारी है। और कोलकाता सियालदह एक्सप्रेस का इन्होंने इस्तेमाल किया इस सोने की तस्करी के लिए। 2.70 करोड़ रुपए जब्त सोने की कीमत आंकी गई है। तो स्मगलिंग के खिलाफ DRI ने ये बड़ा ऑपरेशन चलाया है। और अब बात कांग्रेस की करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान में कांग्रेस ने अनुशासन समिति बनाई है। इस अनुशासन समिति में 4 सदस्यों को शामिल किया गया है। इस समिति का चेयरमैन उदयलाल आंजना को बनाया गया है। शकुंतला रावत को चेयरमैन बनी है, जबकि हाकम अली को कन्वीनर बनाया गया है। और इसके अलावा विनाद कोटवाल को सदस्य बनाया गया है। किसानों के लिए खबर है। पीएम मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त महाराष्ट्र के यवतमाल से जारी कर दी। 16वीं किस्त के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 21,000 करोड़ से ज्यादा की सम्मान राशि सीधा उनके बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। किसानों के खाते में राशि DBT माध्यम से पहुंचाई गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। किसानों के खाते में यह राशि हर 4 महीने के अंतराल में 2,000 रुपए करके 3 किस्तों में भेजी जाती है। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। SMS हॉस्पिटल में रेजिडेंट ने कार्य बहिष्कार वापस ले लिया है। रेजिडेंट्स ने कार्य बहिष्कार का फैसला वापस लिया है। दरअसल गलत खून चढ़ाने के मामले में APO किए गए 2 रेजिडेंट्स को लेकर ये विरोध किया जा रहा था। और अब ये राहत की खबर कही जा सकती है कि SMS हॉस्पिटल में जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने अब कार्य बहिष्कार वापस ले लिया है। गलत खून चढ़ाने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसमें एक्शन लिया गया था और 2 रेजिडेंट्स को APO किया गया था। और इसी फैसले के विरोध में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे वो कार्य बहिष्कार पर आ गए थे, लेकिन अब कार्य बहिष्कार को वापस ले लिया गया है। तो जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल से राहत की खबर। और राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फायरिंग रेंज में भारत और जापान की सेना में संयुक्त तौर पर युद्धाभ्यास धर्मगर्जन जारी है। ये युद्धाभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। दोनों देशों के सैनिक हथियारों की तकनीक साझा कर रहे हैं। सरहद पर सेना का जोश हाई, दुश्मन की शामत आई, भारत जापान का सेना अभ्यास। भारतीय सेना और जापान सेना के बीच बीकानेर स्थित महाजन फायरिंग रेंज में संयुक्त तौर पर युद्धाभ्यास धर्म गार्डियन जारी है। युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेना हथियारों की तकनीकों को साझा कर रही है। 9 मार्च तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास का मकसद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। साथ ही सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों देश रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 40-40 सैनिक शामिल हैं। युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो वहीं जापान की ओर से 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान युद्धाभ्यास में जापान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अभ्यास के दौरान अस्थाई ऑपरेटिंग बेस की स्थापना
खुफिया जानकारी की तैयारी, निगरानी और पूर्व परीक्षण की तैयारी, मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित करना, हेलीबोर्न संचालन और हाउस इंटरवेंशन ड्रिल शामिल होंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की बढ़ती रक्षा और औद्योगिक क्षमता को प्रदर्शित करते हुए हथियार और उपकरणों का प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा। धर्म गार्जियन अभ्यास से दोनों पक्षों में स्ट्रेटेजिक संचालन की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम होंगे। रक्षा सहयोग के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पोखरण फील्ड रेंज में भारतीय सेना के लिए थिएटर आर्टिलरी ने गोला बारूद का सफल परीक्षण किया है, साथ ही सेना हथियारों का फायर पावर डेमोंस्ट्रेशन भी किया। अभ्यास को एक विशेष स्लोगन से बताते हुए कहा है कि ये अभ्यास हमारे दुश्मन के लिए एक चेतावनी, हमारे दोस्तों के लिए एक वादा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में बढ़ती रक्षा और औद्योगिक क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है। देश में निर्मित हथियारों के साथ भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो भारत जापान के सैन्य अभ्यास की तस्वीरें आप देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।